यूपी में कासगंज के निजामपुर गांव में ठाकुरों का गांव है ये। यहां पहली बार दलित की घोड़ी पर बारात निकली है। डॉक्टर अम्बेडकर को अभिवादन कर संजय बैठे घोड़ी पर। 6 महीने तक चली जद्दोजहद के बाद आखिरकार दलित दूल्हे की घोड़े पर चढ़कर शादी के मंडप तक पहुंचने की मुराद पूरी हुई। रविवार को कासगंज के प्रचलित दलित ठाकुर विवाद के निपटारे के बाद धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। दरअसल दलित दूल्हा चाहता था कि वह घोड़े पर बैठकर ही विवाह मंडप तक जाएगा, लेकिन गांव के ठाकुरों को ये मंजूर नहीं था। 6 महीने तक चले विवाद और जद्दोजहद के बाद आखिरकार रास्ता निकला और गलत परंपरा को दरकिनार कर दिया गया। यूपी के कासगंज के निजामपुर गांव में बीते रविवार को पहली बार किसी दलित की बारात घोड़ी पर निकली। पिछले 80 सालों से इस गांव में किसी भी दलित की बारात नहीं आई थी। दरअसल जनवरी माह में गांव निजामपुर की शीतल की शादी सिकंदरा राव के गांव बसई के रहने वाले अनुसूचित जाति के युवक संजय जाटव के साथ तय हुई थी। बारात निकालने के दौरान ADM, ASP, SDM समेत कई सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ महिला पुलिस कर्मी भी मौजूद रही। आपको बता दें कि इस जोड़े की शादी अक्टूबर 2017 में तय हुई थी, लेकिन बारात निकालने को लेकर विवाद था। दलित युवक का कहना था कि गांव के ठाकुर बारात निकालने का विरोध कर रहे हैं। दलित युवक संजय ने इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर हाईकोर्ट तक गुहार लगाई। 8 अप्रैल को प्रशासन ने तय किया कि पुलिस की मौजूदगी में बारात निकाली जाए। कासगंज के निजामपुर गांव में करीब 400 राजपूत और बाकी अन्य जातियों के लोग रहते हैं। गांव की कुल जनसंख्या 500 है। ऐसे में गांव के राजपूत दलितों की बारात को अपने घरों से निकालने की इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन शीतल और संजय के मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने तय किया कि इनकी बारात गांव के ट्यूबवेल से उठेगी और राजपूत के कुछ घरों के आगे से निकलते हुए जाएगी। फैसले के 2 महीने बाद 15 जुलाई को कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों की शादी करवा दी गई। शादी के दिन गांव के ठाकुर गांव से बाहर चले गए। उनकी बस्तियों में वीरान सा सन्नाटा था। आजादी के 70 साल बाद भी जाति का जो जहर है, ऊंच नीचता का भाव है, आज भी कायम है। रविवार को छावनी बने गांव में उत्सव का माहौल था। ढोलक की थाप पर मंगल गीत गाए जा रहे थे। गांव के बाहर स्वागत द्वार बनाया गया था। यहां दलित समाज के लोगों ने हाथरस से आई बारात का जोरदार तरीके से स्वागत किया। डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को अभिवादन करने के बाद दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा। इसके बाद बैंड बाजों के साथ बारात की चढ़ाई शुरू हुई। घोड़ा बग्घी पर सवार दूल्हा संजय बारात के साथ चल रहा था। उसके आगे बाजे बैंड की धुनों पर बाराती नाचते हुए चल रहे थे। पूरे प्रदेश के दलित समुदाय को कई महीनों से जिस विवाह का इंतजार था वो कल पूरा हुआ। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।